नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। भयानक दोस्तों हमला हुआ है, 3 से 4 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को आतंकियों ने सेना के ट्रक पर ग्रेनेड हमला कर दिया। इसमें 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह के नाम शामिल हैं। ये सभी जवान नेशनल राइफल्स यूनिट से जुड़े थे। आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए इन्हें इन इलाकों में तैनात कर दिया। नागरोटा में तैनात सेना की 16वीं कोर ने ट्वीट करके कहा कि व्हाइट नाइट कोर की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। बता दें कि जम्मू के राजौरी सेक्टर में ये आतंकी घटना गुरुवार दोपहर के समय हुई, जब सेना का ट्रक भीम बेर गली और पुंछ के बीच था। इस दौरान आतंकियों ने सेना के ट्रक पर ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले में 5 जवानों की मौत हो गई, जबकि दोस्तों 1 जवान घायल भी हो गया है। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है, अपराधियों का पता लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने वाहन पर गोलियां के निशान भी देखे हैं। इसके साथ ही घटनास्थल पर ग्रेनेड के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये एक आतंकी घटना है। जबकि दोस्तों कल ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो रही है, बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी है, लेकिन वह पूरी तरीके से गलत है। यहाँ दोस्तों आतंकी हमला हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।